नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपीएस न्यूज। रामपुर, अवैध रूप से कच्ची शराब की भट्टी लगाकर निर्माण करते हुए एक अभियुक्त गिरफ्तार। रामपुर, भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसानों ने तहसील सदर में प्रदर्शन करने के बाद अपर जिलाधिकारी राजस्व को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। संबल, सर्वहित कल्याण मोर्चा संगठन ने 4 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें विकलांग परिवारों को योजना का लाभ दिलाए जाने व विधवा पेंशन दिलाए जाने की मांग की गई। संबल, सूफी इस्लामिक बोर्ड व जिला अध्यक्ष संबल बनने के बाद खानकाह में दफ्तर व टोपी के साथ स्वागत किया गया। ताजा मामला हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा बिजोली का है, जहां अवैध मिट्टी लादकर ले जा रहे ट्रैक्टर ने एक मासूम को कुचल दिया। बदायूं द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड उजानी के ग्राम मीरा सराय में बालिका सुरक्षा जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। तहसील सदर में नशा मुक्त भारत अभियान के जनपद मुरादाबाद के अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान के दौरान जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी हस्ताक्षर करते हुए। प्रयागराज, बिगिया गांव में मंगलवार दोपहर पहुंचे शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सापाइयों ने जोरदार स्वागत किया। संबल, नगर के हल्लू सराय में बेकौफ चोरों ने देर तक चलती बिजली लाइन पर ट्रांसफार्मर का सामान उड़ा दिया। बेकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ललितपुर में अज्ञात चोरों ने प्रधान के चचेरे भाई के घर में लाखों रुपए के स्वर्ण आभूषण सहित अन्य सामान व नकदी की चोरी की। थाना पुलिस मौके पर पहुंची। चिराग ने जारी किया एलजीपी का विजन डॉक्यूमेंट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट फोकस। शिवराज सरकार में मंत्री तुलसीराम सिलावट ने दिया इस्तीफा, पूरा हो गया 6 महीने का कार्यकाल। अपराध की नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस बलों का किया जा रहा आधुनिकीकरण, अमित शाह। महाराष्ट्र भाजपा को तगड़ा झटका, एनसीपी में शामिल होंगे एकनाथ खड़से। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने बाढ़ प्रभावित जिलों का किया हवाई सर्वेक्षण। भारतीय सेना ने लद्दाख में पकड़े गए चीनी सैनिक को वापस भेजा। शाहरुख खान की डॉन को पूरे हुए 14 साल, फिल्म मेकर्स ने किया है खास ट्वीट। प्रियंका का आरोप, कृषि कानूनों पर किसानों का दर्द नहीं सुन रही है सरकार। 22 करोड़ से होगी शहर की काया पलट। रामपुर, नवाब की कोठी लखी बाग की कीमत 7.21 अरब, कोर्ट में दाखिल हुए मूल्यांकन की रिपोर्ट। रामपुर के सीएमओ कोरोना की चपेट में है, रैंडम चेकिंग में ड्यूनेट जांच से खुलासा हुआ। पीएम मोदी ने शहीद पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि, बोले पुलिस कर्मी बिना किसी हिचक के देते हैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। डीसी के खिलाफ मिली जीत के बाद बोले लोकेश राहुल, पिछले मैच के बाद सो नहीं पाया था। हुवावे को मिलेगी टक्कर, भारत में शुरुआत से पहले जियो की EOS में 5G टेस्टिंग सफल, जानिए 5G के बारे में सब कुछ। बंगाल में पूजा पांडालों को राहत, हाई कोर्ट ने बड़े पांडालों में 60 लोगों की एंट्री की छूट दी, 2 दिन पहले 25 की लिमिट तय की गई थी।